ओके बेटा, अब मैं आपको करवा रहा हूं स्टेप डाउन कन्वर्जन। स्टेप अप कन्वर्जन तो मैंने आपको करवा दिया था। तो स्टेप अप कन्वर्जन में मैंने आपको एक तो बेटा अल्केन का नंबर डबल करके दिखाया, वो तो हम वुड्स रिएक्शन से कर लेते हैं। फिर साइनाइड के थ्रू भी हम एक कार्बन का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। फिर जब भी अल्कोहल बनेगा बेटा और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की मदद से बनेगा, तो उसमें भी हमारे पास अल्कोहल एक नंबर आगे मिलेगा। तो अब हम कर रहे हैं स्टेप डाउन कन्वर्जन। स्टेप डाउन कन्वर्जन्स, स्टेप डाउन कन्वर्जन्स के लिए बेटा सबसे पहला और सबसे इजी ये है जी, थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड। थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टेप डाउन कन्वर्जन कैसे कैरी आउट करेंगे। सपोज बेटा ये आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेटा इसके अंदर हम लोगों ने जो रिएजेंट डालने हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडा लाइम। सोडा लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो सिंपल बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा, पीछे आपका बन जाएगा अल्केन प्लस CO2 गैस की फॉर्म में बाहर। सो यानी यहां पे आपका एक कार्बन का नंबर कम हो जाएगा। अब बेटा मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको दो का एग्जांपल करके दिखाता हूं, जिसमें आप देखोगे कि कार्बन का नंबर कैसे नीचे आता है। तो आइए ए पार्ट करें। CH3 COOH, तो ये है बेटा मेरा इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड को बेटा मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा लाइम से ट्रीट करना है। सोडा लाइम से ट्रीट करूंगा। तो अब नोटिस करो, ये CO2 निकल गया, तो पीछे मेरा बच गया CH4 प्लस CO2 गैस की फॉर्म में आ गया, तो क्या बन गया, मीथेन। तो बच्चों हो गई ना स्टेप डाउन, क्योंकि यहां पे कार्बन का नंबर पहले हमारे रिएक्टेंट में दो था इथानोइक एसिड, और प्रोडक्ट में क्या हो गया, एक मीथानोइक एसिड। सो ऐसे ही हम आगे देखते हैं बी पार्ट। CH3 CH2, फिर उसके बाद हमारे पास है COOH, तो ये है हमारा प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड लेके बेटा रिएजेंट सेम वो ही डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो और सोडा लाइम। ओके डन। तो बेटा सिंपल, निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेरे पास बना CH3 बॉन्ड CH3 प्लस CO2, तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया मेरा इथेन। तो प्रोपानोइक एसिड से क्या बन गया, इथेन। तो क्या ये सेम प्रोसेस क्या हम एरोमेटिक के लिए कर सकते हैं, ये उसके लिए भी करके देख लेते हैं। तो हम लेते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो ये देखिए बेंजोइक एसिड है, अब बेंजोइक एसिड को ट्रीट कर दो जी NaOH के साथ, और साथ में डाल दो इसके जी कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और बेंजीन बचेगी आपके पास, एक कार्बन फिर कम हो गया, बेंजीन प्लस CO2। सो ये था बेटा थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड, एक स्टेप डाउन ये है। सो मैं अब आपको एक स्टेप डाउन और दिखा रहा हूं। सो आज डेट है 29, एक स्टेप डाउन और दिखा रहा हूं। सो वो है नंबर 2 बाय हॉफमैन।
हॉफमैन, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरे पास होगा बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2, तो ये है जी मेरा अमाइड। सो इसको बेटा हम लोगों ने ट्रीट करना है Br2 के साथ प्लस 4KOH के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे। अब ये कैसे ट्रीट होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। R डबल बॉन्ड CNH2 ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे Br का भी मॉलिक्यूल ले लो और 4KOH ले लो, 1, 2, 3 और 4, 4KOH ले लिए। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये मैं निकाल रहा हूं K2CO3, K2CO3, एक तो K2CO3 निकल गया, दो मॉलिक्यूल KBr के निकल गए, एक मॉलिक्यूल निकल गया बेटा हमारा वाटर का यहां पर, और एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल गया यहां से। सो दो मॉलिक्यूल वाटर के, K2CO3 का एक मॉलिक्यूल, KBr के 2 मॉलिक्यूल, और पीछे फिर हमारी चेन छोटी होगी। अमाइड से शुरू किया था, कहां पे एंड अप हो गए हम? अमीन पे। तो मेरा प्रोडक्ट बना RNH2, ऑब्वियसली एक नंबर कम, प्लस 2KBr निकलेंगे, मैंने आपको बता दिया KBr कैसे निकलेंगे, प्लस K2CO3, ये देखो जी K2CO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल H2O का सेकेंड। तो इस तरह से भी आप चेन को कम करते हो, छोटा कर देते हो। तो आइए अब हम इसके एग्जांपल करके देख लें। सो एग्जांपल में हम ले लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड एंड NH2, तो इसका नाम है इथाइल अमाइड, ठीक है? तो जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, सो बेटा इथाइल अमाइड हमारे पास दिया हुआ है, तो हम बस इसको कवर अप करेंगे। देखिए अब बस इसके अंदर हमने क्या डालना है, Br2 प्लस 4KOH डालना है, और वही मेरे वाला स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 बना दिया, फिर Br का मॉलिक्यूल दिखाना है, Br2 का मॉलिक्यूल दिखाना है, फिर 4KOH, 1, 2, 3 और 4, 4KOH आ गए हमारे बेटा। और अब आप नोटिस करो, सबसे पहले K2CO3 निकाल दो, ये लो जी K2CO3 निकल गया, KBr के 2 मॉलिक्यूल निकाल दो, 1, 2, KBr के 2 मॉलिक्यूल निकल गए, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, एक वाटर का ये गया और एक वाटर ये गया, और ये तो गया अब हमारा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2KBr। सो क्या बन गया, ये मिथाइल अमाइन। और कहां से शुरू किया था, इथाइल अमाइड लिया था हमने, इथाइल अमाइड लिया था। सो इथाइल अमाइड को
जब हम Br2 के साथ ट्रीट करेंगे, 4KOH से ट्रीट करेंगे, तो ये भी स्टेप डाउन हो जाएगा। और स्टेप डाउन में यानी एक कार्बन नंबर कम हो गया, इथाइल अमाइड से शुरू किया था और मिथाइल अमीन हमारा प्रोडक्ट हो गया। सो बेटा ये दो स्टेप डाउन मेथड आपको मैंने सिखा दिए हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब जब हम कल मिलेंगे तो हम आगे चलेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू। सो टेक केयर।